बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो दोस्तों? दोस्तों, कासिम अली शाह जो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उनकी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है, बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं लोगों को और बहुत ज़्यादा बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर भी हैं, तो उनकी आज एक मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से और वो मुलाकात को लेके बहुत ज़्यादा मीम्स भी बने और बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी कर रही थी वो मुलाकात। तो मुलाकात करना कोई ऐसी बात नहीं है, कोई भी इमरान खान साहब मुल्क के बड़े लीडर हैं, उनसे मिल भी सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं, लेकिन जो बात सामने आई वो ये कि कासिम अली शाह ने उनसे शायद कोई सीट का मुतालबा किया कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ आपकी पार्टी से, और सूबाई असम्बली का जो प्रोविंशियल असम्बली का इलेक्शन है उसमें मुझे आप कैंडिडेट बनाए पीटीआई का, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है, मेरे करोड़ों फॉलोअर्स हैं। तो कासिम अली शाह को अगर आप देखें तो वो मोटिवेशनल स्पीकर तो हैं, लेकिन उनका काम है बस सिर्फ अच्छा बोलना। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स का जो ट्रेंड था आज से 4-5 साल पहले, जब सोशल मीडिया बिल्कुल नया नया आया था, यूट्यूब के, टिकटॉक के, फेसबुक के जो वीडियोस नए नए वायरल होना शुरू हुए थे, तो उस वक्त ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड था। लोग देखते थे कि भाई ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं और बहुत ही एक समझ लें एक चीज़ को जो है ना फैंटेसी की तरह से लेके बातों को बनाना और पूरी स्टोरीज बिल्ड करना। तो अब ये सारा ट्रेंड ख़त्म हो चुका है, ना सिर्फ पाकिस्तान में लोग ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं इनको नहीं देखते बल्कि इनको नहीं सुनते। उसकी वजह ये है कि लोग कहते हैं कि भाई ये प्रैक्टिकल लोग नहीं होते, बस ये कहानियाँ और किस्से सुना रहे होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे और बहुत ही आप समझ लें दिलचस्प किस्म के किस्से कहानियाँ सुना रहे होते हैं। जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं या एंटरप्रेन्योर हैं उनकी अगर आप इंटरव्यूज़ देखें, उनके स्पीचेस देखें, वो यही कहते हैं कि भाई सबसे फजूल तरीन जो काम है वो यही मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखना है, इनको फॉलो करना, क्योंकि खुद इन्होंने कभी कोई बिजनेस नहीं किया होता, कोई काम नहीं किया हुआ होता। इनका काम ये होता है कि बस बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नफीस तरह से तरह की बातें करना और बहुत ही ज़्यादा आइडियलिस्टिक किस्म की बातें करना। तो ये कासिम अली शाह भी इसी तरह की वो हैं, बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं लेकिन उनकी भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज बनती रहती हैं अक्सर। कभी उनके पिक्चर्स वायरल हो जाते हैं, कभी उनकी कोई बात वायरल हो जाती है, अब वो सियासत में कदम रखना चाहते हैं। तो सियासत तो बहुत ही बेरहम चीज़ है, इसमें उनके ऊपर जितना गंद अभी उछाला जा रहा है उससे डबल उनके ऊपर गंद उछाला जाएगा। कुछ लोग अगर उनको फॉलो करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो पॉलिटिक्स में आके वो भी नहीं रहेगी, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत ही बेरहम चीज़ है, इसमें कोई भी रिस्पेक्ट नहीं होती, कोई किसी को रिस्पेक्ट देने का सोचता भी नहीं है। तो अब वो पीटीआई से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, अच्छी बात है, वो इलेक्शन लड़े, आवाम की खिदमत करें। हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।